आप तमाम नाजरीन का TNN TV न्यूज़ में खैर मकदम है। चंद्राइन गुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद गाजी मिल्लत कॉलोनी में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लापरवाही देखने में आई। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया गाजी मिल्लत कॉलोनी में पेश आया। 3 रोज़ कबल इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ने अधूरा काम करके छोड़ दिया था। आज सुबह से लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। जैसा ही लाइट ऑन होने पर एक मासूम 1.5 साल लड़की खतीजा उस वक्त करंट के जद में आकर झुलस गई, जिसमें अब्दुल नज़ीर अहमद 35 साल के बचाने के दौरान हाथ और पैर झुलस गए। जैसे ही इसकी इत्तला चंद्राइन गुट्टा पुलिस को मिली, फौरी मौके वारदात पर पहुँच कर एम्बुलेंस को बुलवा कर जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो साहब, ये 3 दिन वहाँ लगा के कोई उसे 3-4 दिन से लगा के बोलते कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे आगे सामने पूछिए पड़ा केबल फिर भी करंट का नहीं हो इसका है, खाली अर्थिंग हुआ शायद हो अर्थिंग हुआ गया ऐसा हल करके बच्चों को छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे पूरी गली में गट्टे के बच्चे रहते मगर कोई चीज़ वालों को इंटरेस्ट नहीं है। के 3 दिन तक वो पूरा बगल लगाए बगल कैसे जाते हैं बोलो खुला रख के, इसलिए वो लोगों को बिल्कुल एक्शन ले था बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी वाले पहले आना जब तक आए नहीं तक लोन नहीं करना। आप लोग बोले थे 3 दिन पहले से बोल रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं लगा दिए खाली लगा तो हम काम करने बल्कि समझे काम करके छोड़ के चले जाते क्या बोलो हमेशा का होगा पूरा मजाक हो गया पूरा ऐसे कर देते यहाँ खोजे 3-4 दिन लगाते ये पूरे इलेक्ट्रिसिटी वालों फौरी जो है तो परफेक्ट होके घर पे आने तक जो है उनका इलाज और उनके लिए मुआवजे का जो भी इंतजाम है कराने की कोशिश करें। सब इस हादसे में कितने जने जख्मी हुए? एक मासूम लड़की है और इनके चचा है, दोनों का असरा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। लड़की कितने साल की? 4 से 5 साल की लड़की है, 1.5-2 साल की लड़की है और वो साहब जो जख्मी हुए दूसरे साथ में बढ़ रहे हैं तो 30 साल के हैं। रिश्ते में चिचा पति जी वो लोगों को असरा में शिफ्ट किया गया है, अभी उनका इलाज धीरे इलाज है, आउट ऑफ डेंजर है। अलहमदा मुकामी लोगों की मेहनत की वजह से बड़ा वाक्य होने से टल गया। आप लोग